वेल कब्स ऐसे कि क्यूट क्यूट कब्स जो होते हैं उसको हमने उस पर नाम सोचा है एंड ये टीम ये सेकंड सीजन है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है BCL इस साल भी टीम हमारी ऑलमोस्ट सेम है विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड थिंग क्योंकि हम एकजुट हैं हम जुड़े हुए हैं वी आर लाइक फैमिली वी आर लाइक फ्रेंड्स बस तीन एक्स्ट्रा मेम्बर्स ऐड हुए हैं करण पटेल संग्राम एंड आलोक एंड ऑफकोर्स भारती तो इस सीज़न में हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं भारती भी है बहुत मज़ा आएगा सो वी आर रियली एक्साइटेड वेल पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप की जो केमिस्ट्री आपका जो रिलेशनशिप हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सही हो ताकि यू नो कुछ भी आपके बीच में झगड़े ना हो तो हम सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सेकेंड बींग ऑफ कोर्स सबको क्रिकेट एवरीबडी लव्स क्रिकेट इंडिया में हर किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो कीपिंग दैट इन माइंड एवरीबडी इज़ हेयर टू इन्जॉय एंड ऑफकोर्स सब दिल से खेलते हैं सबको क्रिकेट बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट हमने ऑडिशन वगैरह डेफिनेटली नहीं लिया है क्योंकि क्रिकेट जो है दिल से मज़ा यू नो मज़ा करना चाहिए इन्जॉय करना चाहिए एंड मैं बस ऐसे ही नहीं कह रही मैं जेन्युइनली आई मीन इट कि हमारे सारे प्लेयर्स बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं इनफैक्ट अदिति जो आज मिसिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिछले सीजन में उन्होंने लड़के के बोलिंग पे 3 छक्के मारे थे एक लड़की ने सो वी आर अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑल आर वुमेन आर रियली स्ट्रॉन्ग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम एक्साइटेड बिल्कुल ऐसा लगता है हम जब इनफैक्ट जब फील्ड पे जाते हैं तो उस जोश के साथ ही जाते हैं कि हम ना मारेंगे लेकिन वो जो टैक्ट होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट लड़कियों के लिए तो डिफ़िकल्टी है हम कोशिश पूरी करते हैं हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और हम यही चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें एंड हम जीत जाएँ वेल क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो आप घर पे नहीं प्रैक्टिस करते हो लेकिन हाँ वो सॉफ्ट बॉल जब भी रहता है तो हम वो कैच करने की प्रैक्टिस करते हैं लाइक रोहित थोड़ा डिस्टेंस से फेंकता है मैं वो कैच करने की कोशिश करती हूँ पिछले सीज़न में इनफैक्ट मैंने एक प्लेयर को ना किसी कोई और कैच करने वाला था बाउंस करके मेरे हाथ में आ गया तो आई वाज रियली एक्साइटेड कि मेरे वजह से एक प्लेयर आउट हुआ था तो डेफिनेटली आई थिंक ये घर पे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से एंड रेगुलर प्रैक्टिस करने से वो मतलब वी विल डू वेल बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड वेल कोशिश तो यही है कि मैं तीनों ही अच्छा करूं लेकिन मुझे समा आई डोंट नो व्हाई पता नहीं किसी लड़की को पसंद हो या ना मुझे फील्डिंग करना आई डोंट नो मेरे मुझे बहुत एक्साइटिंग चीज़ है फील करना क्योंकि वो जो एनर्जी होती है एंड यू नो बॉल को लाइक यू नो क्रीज तक नहीं जाने देना आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एंजॉय फील्डिंग द मोस्ट वेल वैसे तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सलमान बोथ तो अगर चाहूँगी तो दोनों के साथ ही खेलना चाहूँगी वाई नॉट मैं चाहूँगी कि शाहरुख बॉलिंग करे और सलमान खान फील्डिंग करे और मैं बैटिंग करूँ थैंक यू थैंक यू